ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले के पुलिस ने केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। नमस्कार आप सभी को, मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि 1500 पेज की चार्जशीट में 200 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के बयानों को विस्तृत सबूतों के साथ पेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मामले के लिए सिर्फ 100 गवाहों के बयान प्रासंगिक पाए गए हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम गवाहों के बयान ही पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हैं। चार्जशीट दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग पहलवान द्वारा ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की सिफारिश की और कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग महिलाओं पहलवानों के 164 के बयानों के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी 354, 354A, 354D के तहत दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इसी मामले में ब्रजभूषण के साथ आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी 109, 354, 354A, 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। ये चार्जशीट महिला पहलवानों के बयानों और करीब 21 से 25 अन्य गवाहों के बयान पर आधारित है। इस चार्जशीट में महिला पहलवानों द्वारा एसआईटी को मुहैया करवाए गए फोटो और अन्य डिजिटल एविडेंस पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट को मुहैया करवाए गए हैं। ये चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट के डिप्टी एमएम के सामने पेश की गई, जिस पर 22 जून को सीएमएम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये भी सामने आया कि पॉक्सो के तहत नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने यौन शोषण के अपने आरोप वापस ले लिए थे। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान ने बयान वापस लेते हुए दलील दी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। अब इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 जुलाई को सुनवाई होगी। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ितों द्वारा दिया गया बयान 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट करने का मुख्य सबूत है। पीड़ितों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल साक्ष्य अपराध के कथित स्थान पर अभियुक्तों की उपस्थिति को स्थापित करते हैं। पीड़ितों ने अपने आरोपों के समर्थन में लगभग 5 तस्वीरें दी हैं। 2 दर्जन गवाहों में से लगभग 7 ने पीड़ितों के दावों को समर्थन किया है। पुलिस ने आरोपी और पीड़िता का पिछले 10 साल का CDR मांगा है, जो कि एक बड़ा दस्तावेज है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ब्रजभूषण को जब भी जांच संबंधी संपर्क किया गया, उन्होंने पूरा सहयोग किया, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई खास वजह नहीं थी।